हूँ और आपको मेरी बाइक में क्रैश गार्ड जो हैं लगे हुए इस टाइम पे दिख रहे होंगे। कल मुझे ये रिसीव हो चुका था तो आज मैं वीडियो बनाने आया हूँ। कल रात को ही मैंने क्रैश गार्ड लगवा लिए थे क्योंकि भाई मैंने हाई लेवल की ऑफ रोडिंग नहीं करनी है तो मैं बैश प्लेट वगैरह नहीं लगवाऊंगा। अदरवाइज अगर आप अभी देखने जाओगे तो मेरे ख्याल से 4200 के आसपास इसका प्राइस हो चुका है। जो अपनी हिमालयन 450 है, जो अपनी बाइक है, ये चल चुकी है 470 किलोमीटर के आसपास और इसकी फर्स्ट सर्विस भी यार आ ही गई है। तो भाई मैंने एक चीज ऑर्डर करी थी जाना इंटरनेशनल से और वो आ चुकी है। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज फिर से स्वागत है आप लोग एक न्यू व्लॉग में जिसमें हम लगवाने वाले हैं अपनी बाइक में क्रैश गार्ड्स। तो क्रैश गार्ड्स आए भाई जाना कंपनी के। मैंने भाई यूट्यूब रिसर्च करी है, अभी तक तो भाई कोई वीडियो नहीं है क्रैश गार्ड के ऊपर। अगर मैं चेक कर रहा हूँ मोटर टॉक वगैरह के हैं जो उनकी अपनी वेबसाइट वालों के हैं, बट अभी तक किसी ने क्रैश गार्ड जो है अपनी हिमालयन 450 में नहीं लगवाया है। तो होप यार जब तक ये वीडियो डलेगी तब तक अपनी वीडियो जो है फर्स्ट होने वाली है। सो चलो यार फटाफट आगे बढ़ते हैं, मतलब घर से निकलते हैं और बढ़ते हैं, एक शॉप है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर क्रैश गार्ड लगवाएंगे। फिर आप लोगों को मैं अलग से ओपन एरिया में जाकर दिखाऊंगा भाई जो क्रैश गार्ड है बाइक के ऊपर क्या लुक दे रहा है। तो फाइनली भाई खाली लोकेशन जो है जहाँ पर मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ वहाँ पर आ गया हूँ और आपको मेरी बाइक में क्रैश गार्ड जो हैं लगे हुए इस टाइम पे दिख रहे होंगे। तो भाई जो फाइनली अपनी बाइक है जो अपनी हिमालयन 450 है उसके अंदर क्रैश गार्ड्स लग चुके हैं और जो लगे हैं वो कंपनी है भाई जाना इंटरनेशनल, वो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा। सो जो इसकी कुछ डिटेल्स है वो आज हम आपको देने वाले हैं, मुझे कितने के पड़े, कहां से मैंने लिए और इतनी जल्दी मुझे कैसे मिल गए। और आपको एक चीज़ और बता दूँ भाई, फर्स्ट हिमालयन 450 होने वाला है जिसके अंदर ये जाना का क्रैश गार्ड लगा है। तो इससे पहले आप लोग कुछ सिनेमैटिक्स चेक करो इस क्रैश गार्ड के लिए, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो जो भाई सिनेमैटिक्स थे अपने हिमालयन 450 के क्रैश गार्ड से वो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं कोशिश करूँ और अदर वीडियोस में जो उनसे कैसे लगाऊंगा उसके कुछ सिनेमैटिक्स डाल दिया करो। तो चलो यार क्रैश गार्ड के लिए बात करते हैं। भाई आपको हिमालयन 450 में यहाँ पर क्रैश गार्ड दिख रहा होगा, एक इस साइड है और ये एक इस साइड है। आपको भाई ये बताने वाली बात तो नहीं है बट दोनों साइड क्रैश गार्ड लगते हैं और जो क्रैश गार्ड है वो आपकी जो बाइक है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। क्या जो ये क्रैश गार्ड मैंने जाना इंटरनेशनल से मंगवाया है, मुझे कैसे मिले, कहां से मिले और इतनी जल्दी कैसे मिले, इसकी बात हम लोग अभी कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद आपको डिटेल्स देता हूं। तो यह सीन ऐसा था कि जो जाना इंटरनेशनल की वेबसाइट है उसके ऊपर चल रही थी भाई प्री बुकिंग, और एक कंपनी और है उसके क्रैश गार्ड भी अवेलेबल हैं और वो भी कुरियर के थ्रू मंगवाने पड़ते हैं वेबसाइट के थ्रू, बट मुझे उनका क्रैश गार्ड उतना अच्छा नहीं लगा। मैं जाना का वेट कर रहा था कि जाना कब लॉन्च करेगा, तो जाना की प्री बुकिंग ओपन हुई थी और जब मैं वेबसाइट पे गया तो मैंने ऑर्डर करा तो उस पर दिखा रहा था कि अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको रिसीव हो जाएगा 10th तक, मतलब कि आज 10 जनवरी है और आज ही मैं शायद 10 नहीं आज 11 तारीख है, कल मुझे ये रिसीव हो चुका था। तो आज मैं वीडियो बनाने आया हूँ, कल रात को ही मैंने ये क्रैश गार्ड्स लगवा लिए थे। तो मतलब आप लगा रहे हो कि कितनी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस क्रैश गार्ड के लिए। तो उनकी वेबसाइट पर जब मैं गया था तो भाई वहाँ पर ये सीन हुआ कि मुझे क्रैश गार्ड जो है 10 तारीख को दिखा रहा था बट 9 तारीख तक भाई कोई अपडेट नहीं आया था किसी कुरियर का ना कहीं का। तो भाई मैंने जाना इंटरनेशनल पे बात करी तो उन्होंने भाई ये बोला कि हफ़्ता 10 दिन और लग सकते हैं डिस्पैच होने में, क्योंकि अभी जो है ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है। तो भाई मैंने मेल वगैरह करी, कुछ क्वेश्चंस डाले कि लाइक अगर आपका न्यू प्रोडक्ट था जो भी था बुकिंग आपने ओपन करी तो आपने वेबसाइट के ऊपर 10 जनवरी का क्यों शो किया कि हाँ भाई आपको जो प्रोडक्ट है 10 जनवरी को मिल जाएगा। तो थोड़ी बहुत जो बात हुई देन उसके बाद भाई उन्होंने ऐसा पता नहीं क्या करा, इतना काम कह लो फास्ट कर दिया ना, 9 को सारा प्रोसेस हुआ, 10 को मेरा क्रैश गार्ड जो है DTDC के ऑफिस में आ गया था। मैं पर्सनल खुद लेने गया था, मैंने घर पे आने का वेट नहीं किया, अदरवाइज एक दो दिन और लग जाते। तो उसके ऑफिस गया और मैंने खुद ये क्रैश गार्ड जो है वहाँ से लेके आया हूँ और भाई इसको मैंने फटाफट अपनी बाइक में करवा दिया इंस्टॉल। तो भाई जो जाना का क्रैश गार्ड है मुझे इतना पसंद क्यों आया, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर भाई जाना की ब्रांडिंग दिख रही होगी और जो जाना का क्रैश गार्ड मैं ऑलरेडी अपने ड्यूक 390 में यूज़ करता हूँ, तो जो मुझे इनके प्रोडक्ट है भाई काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आपको फिल्म स्लेटर भी देखने को मिल रहा होगा। तो अगर भाई मैं इसकी बात करूँ तो भाई मुझे ये पड़ा है 4000 रुपये का, लाइक 4300 इसका MRP है। और अगर आप जाना के
शोरूम से, मतलब जाना के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से जाकर लगवाओगे तो ये आपको 300 और महंगा पड़ने वाला है, लाइक 4600 का पड़ेगा। बाकी भाई जो ये क्रैश गार्ड है जाना इंटरनेशनल की तरफ से जो आ रहा है अब हिमालयन 450 के लिए, आपको इसके अंदर जो वारंटी है पेंट और जो पाउडर कोटिंग है उसकी 6 मंथ्स की देखने को मिलेगी। और भाई गिरने के बाद उसकी कोई वारंटी नहीं होती, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जो भी होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे पेंट और पाउडर की वारंटी देखने को मिलती है। अगर जंग भी लग जाए या कुछ भी होगा ऑटोमेटिक तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ कि भाई मुझे ये पसंद क्यों आया तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई बड़ा कॉम्पैक्ट सा ये क्रैश गार्ड है, लाइक ज़्यादा बल्कि नहीं है तो लुक है उतनी बिगाड़ नहीं रहा, बिल्कुल ठीक ठाक इस बाइक के ऊपर देखने में लगता है। और जो दूसरा क्रैश गार्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि आप भी रोड देख रहे हो यहाँ पे, उस क्रैश गार्ड के अंदर जो रोड है यहाँ कहीं ऊपर से निकल रही थी रेडिएटर के आगे से, बट इसमें जो निकल रही है वो निकल रही है नीचे से। और यही कारण था कि मुझे ये वाला क्रैश गार्ड ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इन केस ऑफ रोडिंग में कोई पत्थर वगैरह आता है तो ये रोड जो है काफ़ी हद तक ये वाला एरिया बचा लेगी, मतलब बैश प्लेट वगैरह लगाने की इतनी लोड यहाँ पर नहीं है। बट उसमें जो रोड है ऊपर से निकल रही थी और उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, ऊपर रोड का क्या काम है। तो उस वजह से भाई मुझे ये क्रैश गार्ड पसंद आया कि लाइक अगर कोई पत्थर आता है तो रोड काफ़ी जो इम्पैक्ट है सह लेगा, अगर कुछ होना होगा उसके बाद ही आगे बैश प्लेट की तरफ जाएगा, अदरवाइज तो भाई ये रोड काफ़ी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई ये रोड। बाकी भाई जो ये क्रैश गार्ड है भाई इस बाइक के साथ काफ़ी सही लग रहा है, मतलब कि जो इसकी लुक है वो बहुत बढ़िया, मतलब इसकी जो लुक है और इन्हेंस करके दिख रही है। अगर यहाँ पे मैं सैडल स्टे लगा दूंगा तो जो पूरा एरिया है भाई भरा भरा लगेगा, मतलब काफ़ी अच्छा लुक ये दे रहा है। अभी जो जाना का सैडल स्टे है वो नहीं आया है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कोई और कंपनी का सैडल स्टे देख लूँ जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि कुछ टूर्स के प्लान भी है वो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, आने वाली वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं यही सोच रहा था कि यार क्यों ना एक सैडल स्टे भी इसमें लगा लिया जाए, हालांकि मैं सैडल बैग अभी यूज़ नहीं करूँगा जब तक बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा लंबी राइड ना हो, एक सेफ्टी के लिए सैडल स्टे लगा लेंगे ताकि अगर इन केस ऑफ रोडिंग वगैरह में बाइक गिरती है तो वहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो बाइक को। बाकी यार चलो, मतलब मैं तो भाई बाइक चला ही चुका हूँ, बट आपको एक बार दिखाता हूँ यार बाइक चलने के बाद क्या है। बाकी जो बातें हम गोप्रो के ऊपर चले करते हैं, क्योंकि सैडल स्टे लगाने से जो बाइक का वेट है 4 किलो के आसपास बढ़ भी गया है, तो उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो भी भाई मैं आप लोगों को बताऊँगा। लाइक उतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट फिर भी गोप्रो के ऊपर चलते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, क्योंकि कभी कभी तो मौका मिलता है आप लोगों से बातें करने का, रोज़ रोज़ तो कर नहीं सकते, कुछ 10 या 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं उसी के अंदर आप लोगों से बातें होती है। सो भाई फाइनली गोप्रो के ऊपर आ गया, मतलब कि अपनी बाइक पर बैठ चुका हूँ, और बाइक पे बैठते भाई मुझे क्या फील आ रही है सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। लाइक 390 भी ऑन करता हूँ, आप लोगों को पता ही है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, बट कहीं ना कहीं इसको चलाने के बाद जो फील है ना भाई पूरी बदल जाती है। शुरू में थोड़ी बहुत आदत नहीं थी, अभी अराउंड 500 किलोमीटर होने वाली है तो फर्स्ट सर्विस भी ऑलमोस्ट आ ही गई है इस बाइक की। तो सीन ये है ना भाई, कहीं ना कहीं अब मुझे 390 से ज़्यादा इसमें कट मारने में मज़ा आता है। लाइक अगर इस बाइक की मैं बात करूँ तो भाई फ्रंट टू राइट बाइक है, कहीं पर भी जैसे मर्जी इसको ले जाओ, चाहे प्लेन रोड हो चाहे ऑफ रोड हो, जहाँ मर्जी इस बाइक को आप लोग चला सकते हो, कहीं पर भी आपको इस बाइक से निराश नहीं होना पड़ेगा। और बंदे बोलते हैं ना भाई टूरिंग बाइक है, कट वट में दिक्कत होगी, लाइक ट्रैफिक वाली जैसे जगह दिल्ली है, दिल्ली में ऐसी बाइक है भाई कामयाब नहीं होती, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर मैं इसकी बात करूं भाई तो जो इसकी कटिंग है भाई बहुत ही प्यारी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी। बाकी यार जो बाइक है अपनी हिमालयन 450, इसकी बातें तो भाई होती ही रहेगी, हर वीडियो में होगी। अभी जो मेन हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं भाई क्रैश गार्ड्स को लेकर जो यहाँ पर लगे हुए हैं। सो भाई ये क्रैश गार्ड आप लोगों ने देखा मैंने कहाँ से मंगवाया, कितने का मंगवाया, कैसे मंगवाया, कहाँ से लगाया, क्या डिटेल्स है, सारी मैंने आपको अभी वीडियो में दी है। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई इसका जो वेट है 4 किलो के आसपास का, तो बाइक चलाते वक्त तो मुझे क्या फील होता है कि लाइक बाइक थोड़ी भारी लग रही है, क्या वही सेम सिचुएशन है। तो अगर उसकी मैं बात करूँ तो भाई बाइक चलाने में कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा कि भाई 4 किलो वेट जो आगे बढ़ गया है उससे जो कॉन्फिडेंस का लेवल है आपका थोड़ा और बढ़ जाएगा, मतलब कि जो क्रैश गार्ड के 4 किलो का वेट है कहीं ना कहीं बाइक को थोड़ा बहुत भारी करेगा। बट भाई इस क्रैश गार्ड में सेफ्टी तो है ही है, सेफ्टी के लिए ही हम लोग लगवा के आए हैं और बाकी सब भी लगवाते हैं।
बट जो इसका वेट है उससे भाई बाइक चलाने में कोई डिफरेंस नहीं आया है। और ये इतना कॉम्पैक्ट है, लाइक कई बाइक्स होती है ना कि अगर आप उसको चला रहे हो तो क्रैचगार्ड कहीं ना कहीं पैर पर टच होता है और पैर को उस जगह से पेन होना शुरू हो जाती है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो पैर है जहाँ पे आप लैग है, चाहे ब्रेक के पास हो चाहे गियर के पास हो, आप टोटली कम्फर्ट रहने वाले हो। मतलब कि जो ज़ाना ने क्रैचगार्ड बनाया है भाई, बहुत ही तगड़ा बनाया है, अगर दिल्ली की लैंग्वेज में बोलूँ तो ख़तरनाक हाई लेवल। ये देखो भाई यूपी नंबर है, इधर लेफ्ट ले ले भाई या राइट ले ले, जब पता है ब्रिज के ऊपर जाना है, फ्लाईओवर के ऊपर जाना है, तो उसके बाद भी हरकतें दिखा रहा है लेफ्ट राइट होकर। बाकी यार आप लोगों से बातें करनी थी, इस वजह से मैं आया यहाँ पर कि चलो यार गोप्रो के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, अदरवाइज फ़ोन से मैं वीडियो एंड कर सकता था। बट आपको यार बाइक चलाते हुए भी बताना था कि लाइक हाँ ये देखो अगर मैं ऐसे ऐसे कट वगैरह मारूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्रैश गार्ड के साथ। बाकी यार जो अपनी हिमालयन 450 है, जो अपनी बाइक है, ये चल चुकी है 470 किलोमीटर के आसपास और इसकी फर्स्ट सर्विस भी यार आ ही गई है, तो मेरे ख्याल से कल या परसों नहीं तो संडे तक मैं शायद इसकी सर्विस करवा लूँगा और उसका भी व्लॉग मैं प्रॉपर डालूँगा। आप लोगों ने भाई एक चीज़ नोटिस नहीं करी, सब लोग हिमालयन परचेज करने में लगे हुए हैं, बट जो हिमालयन का सबसे कह लो तगड़ा इशू था पुराने वाली हिमालयन में, वो था भाई कॉन्सेट और हैंडलिंग। तो भाई लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया क्योंकि इतने फीचर दे दिए ना, तो वो जो चीज़ थी पुरानी हिमालयन में उसको इग्नोर कर दिया गया है। बट मुझे अभी 2-3 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरा कॉन्सेट है या जो मेरा हैंडल है ना, हल्का सा लूज़ हो गया है, मतलब चलाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लग रहा है। अब वो ऑफ रोडिंग करी थी उस वजह से हुआ है या फिर वही सेम इशू इस बाइक में होने वाला है, वो तो भाई कंपनी वाले ही बताने वाले हैं जब सर्विस सेंटर में जाऊंगा। बाकी होप यार आप लोगों को जो मैंने क्रैचगार्ड लगाया है अपने बाइक में ज़ाना इंटरनेशनल का, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा और लॉजिक भी समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया कि जो रॉड है ऊपर से ना जाके अगर नीचे से जाए तो उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि भाई मैंने हाई लेवल की ऑफ रोडिंग नहीं करनी है तो मैं बैश प्लेट वगैरह नहीं लगवाऊँगा, मैंने ये बाइक टूरिंग के लिए परचेज़ करी है, घूमने के लिए, जगह एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने इसको कह लो जो ऑफ रोडिंग करते हैं ना रैली बाइक्स बनाते हैं, भाई मुझे वो वाला काम इस बाइक पे नहीं करना है। तो जितना भाई लिमिटेड होगा और जितनी एक्सेसरी ज़रूरत होगी वही इस बाइक में हम लोग लोड करेंगे। बाकी यार आपको ये वाला क्रैचगार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो और गायब हो जाते हो, सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबाना भूल जाते हो। मैं आपको बोल बोल के थक गया हूँ कि अब हमारी चैनल के ऊपर जो है क्रैचगार्ड कह रहा हूँ अब हमारे चैनल के ऊपर हिमालयन 450 की वीडियो आने वाली है, इस पे ही टूर होगा। 390 का अभी घर पे ही है, उसका व्लॉग भी डालेंगे धीरे धीरे, पर अभी जो है हिमालयन पे हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा है। तो भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट तो दिखाओ।